तो चलिए गाइस एकदम हम लोग इस बार शुरुआत से आपको बताते हैं कि MEXC एक्सचेंज को आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, उसमें अकाउंट कैसे बना सकते हैं, KYC कैसे करा सकते हैं। चलिए इंस्टॉलिंग से ही चालू करते हैं। इस बार काफ़ी बेसिक स्टेप से बता रहा हूँ। बाइनेंस में लोगों ने बोला कि KYC में उनको थोड़ी सी दिक्कतें आईं, लेकिन चलिए मैं अब आपको अच्छे से बता दूंगा। तो हमें पता ही अच्छा एक्सचेंज है। अब देखिए यहाँ पे एग्री आपको दबाना है, ये टर्म्स एंड कंडीशन आपको बताएगा, प्राइवेसी पॉलिसी इनकी तो ठीक है। उसके अलावा देखिए आपको अलाउ करना है, ओके। सो आपको इधर दबाना है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड अपर टॉप कॉर्नर है यहाँ पे आपको दबाना है। फिर यहाँ पे आपको लॉग इन पर दबाना है और फिर यहाँ पे आपको साइन अप पे दबा देना है। तो देखिए अब आपके पास दो ऑप्शन है, ईमेल फ़ोन, सेम बाइनेंस की तरह ही है। तो आप, मैं तो फ़ोन से ही करता हूँ, तो मैं यहाँ पे आपको डाल देता हूँ। सो यहाँ पे SMS कोड आएगा, यहाँ पे मैं अपना लॉगिन डाल देता हूँ। देखिए इसका भी नियम पिछली बार की तरह ही होगा कि जो पासवर्ड होगा वो आपका एक अपर केस का होगा, एक लोअर केस का होगा, एक नंबर होगा और एक स्पेशल कैरेक्टर होगा। तो यहाँ पे वही सेम पासवर्ड हमें फिर से डालना है। जैसे ही डालेंगे हमारा, यहाँ पे हमें सेंड कोड पे दबा देना है, इससे आपको कोड आ जाएगा इसी नंबर पे जो आपने नंबर दिया था, अथवा ईमेल पे अगर आप कर रहे हैं तो ईमेल पे आपको कोड आ जाएगा। बहुत इजी है। उसके अलावा जो हम लोग रेफरल कोड अपना देंगे, आप उससे करेंगे तो आपकी इसमें भी गैस फीस 50% तक कम हो जाएगी, काफ़ी अच्छी बात है। तो गाइस जैसा कि आपने अगर रजिस्टर कर लिया हो, तो अब यहाँ पर आपने जो अपना फ़ोन नंबर डाला था या ईमेल डाला था, उसके अलावा यहाँ पे पासवर्ड जो आपने बनाया था वो यहाँ पे डालिए और लॉगिन दबा दीजिए। आपका इंटेलिजेंट वेरिफिकेशन होगा, यहाँ पे आपको एक पज़ल मिलेगी, उसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व क्या ही करना है, सही जगह पर ले जाना है। और यहाँ पे फिर से आप पे वेरिफिकेशन कोड आएगा, सेंड कोड। यहाँ मैंने ईमेल से किया है, मेरा फ़ोन नंबर में कुछ दिक्कत आ रही थी, तो अब मुझे ईमेल अपना खोलना होगा। तो गाइस हमारा लॉगिन हो चुका है, अब हमें KYC करानी। तो वहीं लेफ्ट कॉर्नर पे आप जाइए, यहाँ पे आपको वेरीफाई का ऑप्शन दिखेगा ऊपर राइट हैंड साइड में, वेरीफाई आपको दबाना है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, प्राइमरी या एडवांस। मेरे हिसाब से प्राइमरी करिए, क्योंकि ये काफ़ी आसान है और जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए अब आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, मैं इंडिया सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको आईडी टाइप डालना है, तो मैं अपना आधार कार्ड यूज़ करूँगा। फिर यहाँ पे आपको अपना नेम डालना है, नेम डाला, देखिए यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम डालना है, फिर यहाँ पे आपको लास्ट नेम डालना है, फिर यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर डालना है, समथिंग। फिर यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, ठीक है, सेलेक्ट कर ली। तो ऐसे ही करना इतना ही आसान है। फिर यहाँ पे आपको अपनी आधार कार्ड की, यहाँ पे आपको अपनी फोटोकॉपी, मतलब फ़ोटो डाल देनी है, फोटोकॉपी बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड की फ़ोटो डाल देनी है। फिर यहाँ पे आपको सबमिट का बटन दबा देना है, आपका हो जाएगा KYC। इतना ही इजी है KYC करना किसी भी प्लेटफॉर्म पे। सारे स्टेप्स कॉमन होते हैं ज़्यादातर प्लेटफॉर्म पे, जितने भी रेप्यूटेड होते हैं जो KYC मांगते हैं। उसके अलावा जो छोटे मोटे होते हैं और उनमें KYC जिनमें नहीं होता है ना, उनमें सिक्योरिटी रिस्क ज़्यादा होते हैं। तो मेरी मानिए KYC वालों पर ही आप जाएँ। गाइस मेरा KYC डन हो चुका है, अब मैं आपको बताता हूँ इसमें पैसे कैसे डालते हैं। तो यहाँ पे आपको आना है एसेट्स पे, फिर यहाँ पे आपको आना है डिपॉजिट पे, फिर यहाँ पे आपको USDT सर्च करना है, USDT आपको मिला, फिर यहाँ से आपको कोड इसका कॉपी कर लेना है, कॉपी किया, इजी है। अब आपको अपना बाइनेंस खोलना है। तो चलिए गाइस अब हम लोग बाइनेंस पे आ चुके हैं, तो यहाँ से आपको वॉलेट्स में जाना है, वॉलेट्स में आप गए, फिर यहाँ से आपको विड्रॉ पे दबाना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको USDT सर्च कर लेना है, फिर वो जो आपने एड्रेस कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट करना है। यहाँ पे आपका नेटवर्क क्लिक किया जाएगा, चार तरीके के नेटवर्क होते हैं, उनमें से एक TRC20 होता है। TRC20 आप ही लीजिएगा, क्योंकि उसकी गैस फीस काफ़ी कम है, हर ट्रांजेक्शन पे उसमें कम टैक्स कटता है।
तो यहाँ पे देखिए आपका मिनिमम अमाउंट 10 USDT होना चाहिए। तो मान लीजिए मैं लेता हूँ 100, तो यहाँ पे मुझे $99 मिलेंगे। देखिए जो MXC है उसमें ये एक बात है, मान लीजिए आप $10 भेज रहे हैं तब भी वो $1 काटेगा, अगर आप $100 भेज रहे हैं तब भी वो $1 काटेगा, $1 का फिक्स है। तो मेरी मानिए आप बहुत बड़ा अमाउंट भेजिए, जैसे $100, $200, $300, ताकि $1 अगर कटे तो आपको ज़्यादा ना लगे। तो यहाँ पे आपको विड्रॉ दबाना है, यहाँ पे मेरे पास है नहीं इस वक्त कोई भी USDT, मैंने सब इन्वेस्ट कर रखा है। सो आप यहाँ पे विड्रॉ दबाएंगे तो आपके पास दो कॉलम्स आएंगे, दो सेंड क्या कहते हैं उसको, सेंड कोड्स के आएंगे, एक तो आपका ईमेल पे सेंड करेगा, एक आपका नंबर पे सेंड करेगा जो आपका बाइनेंस का नंबर है। दोनों आप कोड यहाँ डालिए, बस आपको कंफर्म दबाना है, आपका हो जाएगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ MEXC पे वापस से। तो गाइज हम लोग वापस आ चुके हैं MEXC पे। इस वक्त अगर आप लोग वीकली स्टार चार्ट देखें, ओ भाई साहब बहुत ज़्यादा हाई हो रखा है। जैसे आप KDG का अगर देखें फिलहाल इस वक्त के लिए तो 6x दे चुका है, IOXT ने इस वक्त 10x दिया है अभी 2 दिन के अंदर। वहीं यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा मान लीजिए अगर बाइनेंस पे 100% का ग्रोथ अगर वहाँ मिल रहा है तो यहाँ पे 2000-3000 रैंडम सी बात है, बहुत कॉमन बात है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो सब रिसर्च फेज पे होते हैं, यानी उनका मार्केट कैप काफ़ी लो होता है, अगर वो थोड़ा सा भी बढ़ता है तो आपको हद से ज़्यादा प्रॉफिट दिखा देते हैं। इसलिए शुरुआती स्टेजेस में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे कि बिटकॉइन का मैं एग्जांपल आपको दे दूं, 2009 में उसकी वैल्यू थी $1 से भी कम। इस वक्त लोग लेने के लिए मर रहे हैं, लिटरली मर रहे हैं, किसी के पास एक बिटकॉइन भी नहीं हो पा रहा है एवरेज लोगों के पास। इसलिए शुरुआती स्टेज पे आप इन्वेस्ट करें, आगे जाके आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। मैं काफ़ी अच्छे अच्छे कॉइन्स इसमें एक सजेस्ट कर सकता हूँ आपको, लेकिन मैं अभी नहीं करूँगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, वरना आप यहीं से देख के सब कुछ खरीद लेंगे। तो चलिए मैं आपको एक कॉइन बाई करके पहले दिखा देता हूँ। मान लीजिए हम KDG ही कर लेते हैं, जबकि कभी करना नहीं चाहिए ये। जब भी कभी कोई कॉइन हाई हो ना उसको कभी उस टाइम नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि बहुत हाई चांसेस रहते हैं कि वो नीचे आ जाए। तो यहाँ पे मैंने बाई का दबाया, फिर यहाँ पे उसकी क्वांटिटी डाल दो या जितने आपके पास है डॉलर, आपके मतलब हिसाब से आपको कितने का ख़रीदना है। तो इसमें एक और अच्छी बात बाइनेंस से, इसमें $5 तक की मिनिमम हम लोग खरीद सकते हैं, वही बाइनेंस में $10 तक का था। तो मैं तो कहूँगा आप $5 करके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में लगा दीजिए, स्कैटर कर दीजिए, जिससे अगर एक भी प्रोजेक्ट आपको 10x तक दे देगा ना तो आपका सीधा $50 होगा। तो अगर मान लीजिए 2-3 में लॉस भी हो रहा होगा तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके एक नहीं उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट दे दिया होगा। तो हमसे जुड़े रहें, चलिए बाय बाय, हम ऐसी अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे, इसीलिए आपका फर्ज बनता है आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।